बच्चों, अब मैं राजस्थान की रजत बूंदे जो कि वितान का दूसरा पार्ट है, इसको एक पैराग्राफ दर पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसमें जो कठिन चीज़ें होंगी उसकी मैं व्याख्या, उसका अर्थ बताते चलूँगा। जो रजत बूंदें अर्थात चांदी की बूंदें राजस्थान की, ये राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए राजस्थान के लोगों ने एक विशेष तकनीक का आविष्कार किया है ताकि उनके पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। राजस्थान की रजत बूंदे उसी समस्या के समाधान को प्रस्तुत करता है। इस समस्या का समाधान है कुएं, जो कि मीठे जल का एक अनुपम स्रोत है। तो इसी कुएं के निर्माण, उसके निर्माणकर्ता, उसके पीछे की निर्माण प्रक्रिया और इस कुएं से संबंधित जो अन्य पक्ष हैं, उन सभी पक्षों को उद्घाटित करने का एक सफल प्रयास श्री अनुपम मिश्र, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने बड़ी बखूबी से बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अब शुरुआत होती है पहले पैराग्राफ से। शुरुआत होती है चेलवांजी कुएं के भीतर कार्य कर रहा है। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। चेलवांजी अर्थात जो कुएं खोदता है, उसका जो एक्सपर्ट होता है, उसका जो निर्माण करता है, उसे चेलवांजी कहते हैं। इसी को चेजारो भी कहा जाता है। चेजारो और चेलवांजी दोनों एक ही व्यक्ति को कहते हैं, जो कि राजस्थान में कुइयों को खोदता है या उसका निर्माण करता है। चेलवांजी कुई के भीतर कुई की खुदाई कर रहा है। 30-35 हाथ की खुदाई हो चुकी है कुई की। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, खुदाई हो रही है, वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है। वाजिब सी चीज़ है, जैसे जैसे धरती के नीचे गहराई में जाएंगे गर्मी बढ़ेगी। और चूँकि कुएं बहुत पतली होती है, बहुत सकरी होती है, उसका घेरा बहुत कम होता है, इसलिए जहाँ पर चेलवांजी खुदाई कर रहा है उसे मात्र उससे सटा हुआ उसकी चारों तरफ मिट्टी की दीवारें हैं। गोल गोल खुदाई कर रहा है तो काफ़ी गहरे जब पहुँच चुका है तो उसके चारों तरफ मिट्टी की दीवार है और उसी के बीच संकरे स्थान पे उकड़ू अर्थात घुटनों के बल बैठकर, घुटने मोड़कर पंजों के बल बैठकर वो एक खास औजार से उस कुएं की खुदाई कर रहा है। चूंकि संकरी जगह है इसलिए खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, इसलिए इस औजार का नाम बसौली है। बसौली से यह खुदाई बसौली से की जा रही है, जो कि छोटी डंडी का लोहे छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, जिसमें नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। एक तरह से इसे समझ सकते हैं छोटा फावड़ा, जिसमें से छोटा हाथ का लकड़ी का डंडा होता है,
जिससे कि पकड़ने में आसानी हो संकरी जगह में, और आगे छोटा सा लोहे का फाल होता है जो कि खुदाई मिट्टी में धीरे धीरे करता है। अब कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा, वाजिब सी चीज़ है कि जैसे जैसे नीचे जा रहा है चेलमाजी वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंकते हैं। चूँकि नीचे हवा गर्म है और गर्म जो हवा होती है वो हल्की होती है, तो जो ऊपर से लोग क्या फेंकते हैं, रेत के कण, मतलब मुट्ठी हाथ में उठाया और रेत नीचे फेंका, तो जब रेत के कण अपने साथ ऊपर की ठंडी हवा को भी जो कि भारी होती है कुएं के अंदर ले जाता है, और जैसे ही भारी हवा नीचे जाती है हल्की जो नीचे गर्म हवा है उसको रिप्लेस करके ऊपर आ जाती है। इस तरह से ऊपर से ठंडी हवा को नीचे भेजने का प्रयास किया जा रहा है। किसके माध्यम से? रेत के कणों के माध्यम से। और नीचे की जो गर्म हवा है, चूँकि गर्म चीज़ें अपने आप ऊपर आ जाती हैं, तो जैसे ही ठंडी हवा नीचे आई रेत के कणों के माध्यम से, वैसे ही नीचे की गर्म हवा ऊपर की ओर आ जाती है, और इस तरह से चेलवाजी को हल्का हल्का राहत मिलती है, उस गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। चूँकि रेत फेंकी जाती है तो चेलवाजी जो खुदाई कर रहा है उसके ऊपर ये रेत के कण पड़ते हैं, इसलिए इसने चेलवाजी ने अपने सिर पर क्या रखा है, कांसे पीतल या किसी अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह, अर्थात टोपी की तरह वो पहने हुए है ताकि कोई चीज़ सिर पे पड़े तो वो धीर छटक कर आसपास गिर जाए। तो इससे बचने के लिए इन रेत के कणों से कि उसके सिर पर ना पड़े, वो चेलवाजी बर्तन जो कि किसी धातु का है वो अपने सिर पर टोपी की तरह पहने हुए है। जब पर्याप्त खुदाई कर लेता है तो उसके पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है, तो क्या किया जाता है, ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है और मिट्टी उसमें वो भर दी जाती है, और पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ पत्थर गिर सकते हैं, टोप इनसे भी चेलवाजी का सिर बचाता है। अर्थात चेलवाजी मिट्टी की खुदाई करता है, नीचे बाल्टी उतारी जाती है, उस बाल्टी में उस मलबे को भर देता है और बड़ी सावधानी से बाल्टी के द्वारा उस मलबे को ऊपर खींच लिया जाता है। जब ऊपर खींचा जाता है इस मलबे को तो थोड़ी बहुत मिट्टी कंकड़ रेत नीचे गिरता है उसके सिर पर, और वह उससे बचने के लिए वो जो टोप वह अपने पहना हुआ है वो काम आता है। अब कहानी आगे, ये तो दृश्य हुआ चेलवाजी के एक काम करने का, एक छोटा सा ये दृश्य है कि किस तरह बड़े कठिनाई से संकरी जगह में धीरे धीरे वो चेलवाजी खोद रहा है कुएं को। अब आगे आते हैं, चेलवाजी यानी चेजारो, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। दक्षतम मतलब एक्सपर्ट। लेखक कहता है, अब चेजारो का असल में अब परिचय देता है कि ये जो चेलवाजी या चेजारो हैं ये कुएं की खुदाई करते हैं, इसका निर्माण करते हैं और फिर चिनाई करते हैं। चिनाई का मतलब उस मिट्टी की दीवार के चारों तरफ एक विशेष पदार्थ की जुड़ाई, ताकि मिट्टी दरक कर फिर कुएं में न गिर पाए। चिनाई अर्थात जुड़ाई करने वाले उसको खोदते हैं, फिर बड़ी दक्षता के साथ उसकी चिनाई या जुड़ाई करते हैं, और चिनाई करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आगे आने पर हम बताएंगे। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह कोई साधारण ढांचा नहीं है, कुएं यानी बहुत ही छोटा कुआं। कुएं पुल्लिंग, कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग।
यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं, अर्थात जो कुआं और कुएं में अंतर है वो केवल व्यास की दृष्टि से, उसके संकरे होने की दृष्टि से है, लेकिन गहराई वो किसी कुएं से कम नहीं होती है। केवल चूँकि संकरी होती है इसलिए इसे कुएं कहा गया है, गहराई पर्याप्त कुएं की तरह ही होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुओं की गहराई कुछ कम या ज़्यादा होती है। आगे वो कारण बताता है कि अलग अलग स्थानों पर कुओं की गहराई कम या ज़्यादा क्यों होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। अब कुएं और कुएं का अंतर एक और विशिष्ट दृष्टि से है कि जो कुएं का जल का स्रोत होता है वो पाताली पानी होता है, वो भूजल होता है। खुदाई करती है की जाती है कुएं की, फिर उसके बाद पानी की बोरिंग की जाती है और जहां पर पानी का भूजल स्रोत मिल जाता है वहीं पर कुएं की खुदाई बंद कर दी जाती है। लेकिन कुएं का जो जल का स्रोत है वो भूजल नहीं होता, पाताली पानी नहीं होता, ये ऊपर की वर्षा का ही पानी है। लेकिन ऊपर की वर्षा का ये जो पानी नदियों में झीलों में जो बहता है यह नहीं होता, ऊपर बहने वाला पानी भी इस कुएं में नहीं होता, न ही भूजल होता है। लेखक बताता है कि यह नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति नेति मतलब बूंद बूंद भरना। कुएं में जो पानी आता है वह बूंद बूंद करके आता है और वह धीरे धीरे इकट्ठा होता है और अपनी इसी विशिष्ट विशेषता के कारण कुएं का जो जल होता है वह मीठा होता है। एक विशिष्ट तरीके से ये कुएं उस वर्षा के जल को अपने अंदर समेटने का, बूंद बूंद इकट्ठा करने का प्रयास करती है या करती है और वही बूंद बूंद इकट्ठा पानी पीने के काम आता है मीठा होने के कारण। अब उसका कारण बताता है लेखक, मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थार मरुस्थल का ये पूरा क्षेत्र है, चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आती है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो वह भूमि में समा जाती है, रेत पर जितना भी पानी गिराओ वह तुरंत उसके अंदर जज्ब कर ली जाती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से नहीं दिखती। यहां पर लेखक जो कारण बताता है कि यह गहराई कहीं 10-15 हाथ होती कहीं 50 से 60 होती, उसका कारण बताता है कि कुएं को हर जगह नहीं बनाया जा सकता, केवल वहीं बनाया जा सकता है जहां पर रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है और यह पट्टी कहीं कहीं पर 10-15 हाथ नीचे होती है और कहीं पर 50 से 60 हाथ नीचे होती है। यही खड़िया पत्थर की जो पट्टी जहाँ पर होती है वहीं पर इस कुएं का निर्माण होता है। उसका भी कारण है कि क्यों खड़िया पत्थर की मिट्टी जहाँ होती है वहीं पर इस कुएं का निर्माण होता है, वो आगे बाद में आएगा।
ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, पर प्रायः खारा होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है रेगिस्तान की कि जब कुआं तो खोद लिया जाता है, पानी भी मिल जाता है, लेकिन वह पानी खारा होता है जो कि पीने के काम नहीं आ सकता। इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता, बस तब इन क्षेत्रों में कुआं बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। ये जो पट्टी जगह जगह पर होती है, इसका अनुभव मिट्टी के कुआं खोदते समय जो मिट्टी के रंग में परिवर्तन होता है उसके द्वारा, और जो पीढ़ियों का जो अनुभव है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों का जो अनुभव है वह भी इस पट्टी को खोजने में काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे तो नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अर्थात जब रेत जहाँ पर कुएं की खुदाई करते समय पानी बीच में ही बैठा होता है, वहाँ पर पता चल जाता है कि नीचे पट्टी है। पट्टी होने के कारण जो बरसात का पानी रेत ने जज्ब कर लिया है, सोख लिया है, वह नीचे नहीं जा पाता और उस रेत में पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है। इससे पता चल जाता है कि इस जगह पर रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी उपस्थित है। अब यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं, क्योंकि लगभग 17 मिनट होने जा रहे हैं। अगले वीडियो में मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। जब भी आप इस वीडियो को सुने एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। पढ़ने के पश्चात उसमें बीच बीच में जो चीज़ें आ रही हैं उसको बता रहा हूं, जो कठिन शब्द हैं, जो पूरे पैराग्राफ का जो एक निष्कर्ष है, जो सार है। तो इसलिए पूरे पाठ को समझने के लिए एक बार आप इस पूरे चैप्टर को सुनने के पहले वीडियो आप पढ़ लीजिए।